वेलकम टू एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या होता है कि किन्हीं भी दो स्थितियों के बीच बने कोणों के अंतर को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। कोई भी हमारा जैसे कि क्या होगा, मान लीजिए एक पोजिशन यहाँ पे कुछ पोजिशन हमने सी ले रखी थी, इन दोनों पोजिशन के बीच यानी इन दोनों स्थितियों के बीच जितना भी हमारा क्या हो रहा था, कोण बन रहा था, यानी एंगल डिस्क्राइब हो रहा था, उसको एक पर्सन क्या बोलते थे, एंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वेग क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वेग आपको मतलब वेलोसिटी है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ी पता होगी। क्या होता है वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक जैसे हमारा वेलोसिटी क्या होती थी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम जैसे वहां पे क्या करते थे, जब हम वेग की बात करते थे तो हम किस चीज का लेते थे, विस्थापन में परिवर्तन की दर। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक तरफ से कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो कोणीय वेग में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कोणीय विस्थापन पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम कैसे वो करेंगे, डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले कि क्या मैंने आपको बताया कि एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, तो कैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारे एक सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए हम अभी किस पोजिशन पे है, ए पोजिशन पे है, ठीक है। इसने क्या करा, इस पोजिशन ए से इसने मोशन करना स्टार्ट करा और इसने क्या करा, ठीक है, टाइम मान लीजिए कि इसने टी1 टाइम में कि किस पोजिशन पे आ गया, बी पोजिशन, और इसने कितना टाइम लिया है, टी1। तब इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया है, कितना ही कोणीय विस्थापन बना रहा है, सपोज थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पे आ चुका है, अब ये क्या करेगा, इस पोजीशन बी तक इसने गति करना शुरू करा, ठीक है, इसी गति पथ पर यानी सर्कुलर पाथ पर। तो मान लीजिए किस पॉइंट पे आ गई, ये पॉइंट सी पर। अब इसने कितना टाइम लिया है, सपोज टी2 इसने टाइम लिया, तो अब टी2 टाइम लिया, तब जाकर किसने कितना कोणीय विस्थापन बनाया है, कितना बनाया, मान लेते हैं हम थीटा2, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, इस पोजीशन बी से सी तक जाने में मुझे निकालना है कि इसमें कितना कोणीय विस्थापन आया है, इन दोनों स्थितियों के बीच में हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज थीटा थीटा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस थीटा टू में से इस पूरे एंगल में से मैं इतने एंगल को माइनस करूंगी, तो ये जो एंगल बचेगा वो उसको हम किससे शो करेंगे, डेल्टा थीटा से। तो क्या हो जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो एक तरह से क्या शो कर रहा था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन कोणीय विस्थापन को बता रहा था। अब क्या होता है कि जब पोजीशन बी से ये सी तक गया, ठीक है, तो मान लीजिए कितना टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच जो हमारा टाइम इंटरवल है वो कितना है, सपोज डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, और इस पोजीशन बी से सी तक जाने में इसने कितना दूरी तय की, ये कितना इसने विस्थापन किया, एक तरफ से हम क्या मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी डेल्टा एस, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में की दर को हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन, यानी जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या आ जाएगा आपका, जितना भी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा और अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा, डेल्टा टी, और टाइम इंटरवल कितना हो रहा था, ये डेल्टा टी, यही हमारा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। आपने देखा कि जब हमारा पोजीशन बी से यानी कि टी1 टाइम से टी2 टाइम तक आने में इसमें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, डेल्टा टी, ठीक है, और टाइम इंटरवल कितना हुआ, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसकी एक तरफ से डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी डायमेंशन आपको पता है कि जो थीटा होती है यानी एंगल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एक तरफ से क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या आपका टाइम है, तो आपको पता है टाइम जो
माइनर राशि होती है ये, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक एम एंड डी की कंप्लीट कॉम्बिनेशन क्या लिखूंगी, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और डी की पावर माइनस वन, ठीक है। तो एंगुलर जो वेलोसिटी होती है इसकी डायमेंशन क्या रहेगी आपकी, टी की पावर माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक तरफ से किस तरह कैसी क्वांटिटी होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है, ये चीज। और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि कोणीय वेग, इसका मात्रा क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लासेस में जो थीटा होता है कोण, इसका मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसकी रेडियन होती है एंगल की, और जबकि टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इस तरीके से जो हमारा ओमेगा है यानी कि कोणीय वेग, इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था जब इसने पोजिशन ए से चलना शुरू करा, अब इसने क्या करा, चलते चलते इसने हमने क्या करा, एक वन रिवॉल्यूशन क्या करा, कंप्लीट करा, यानी कि जब वस्तु हमारी ए पोजिशन पे थी उसने वृत्ति पथ को गति करते करते इसने अपना एक चक्कर पूरा कराया, ठीक है। तो उस केस में हमारा थीटा यानी कि कोणीय विस्थापन कितना होगा, जो हमारा डेल्टा थीटा को किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है, यानी कि कितना एंगल बनाएगा इसने जब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री। अब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इस डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 2π बताया था, एक तरफ से डेल्टा थीटा किसके इक्वल होता है, 2π के। तो यहां मैं अपना डेल्टा थीटा की जगह क्या लिख सकती हूं, 2π। और मान लीजिए कि जब इसने पोजीशन ए से चलना शुरू करा था तो क्या हमने आगे पोजीशन ए पे, तब इसने कितना टाइम लिया था, सपोज कैपिटल टी, तब उस कंडीशन में हमारा ओमेगा कितना आ जाएगा, 2π/T। किस कंडीशन में, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा था, तो उस कंडीशन में हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आती है, 2π/T, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या होता है कि जब हमारा अगर ऑब्जेक्ट, हमारा जो वस्तु है, अगर वो एक सेकंड में एन चक्कर लगा रहा है, सपोज एक सेकंड में उसने क्या करा, इस वृत्ति पथ पे कितने चक्कर लगा रहे हैं, एन, तो उस कंडीशन में हमारा जो ओमेगा होगा वो किसके इक्वल आएगा, 2π/N, जहां पे हमारा 1/T की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है जी। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/N, वेयर 1/T, यानी 1/T की वैल्यू कितनी हो जाती है, एन के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इधर से एंगुलर वेलोसिटी। तो उम्मीद करती हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी इसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।